नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आज स्थानीय निकाय के पहले चरण के लिए मतदान हो रहे। चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की टीम तैनात की गई है। वहीं पुलिस भी वोटिंग बूथ पर सक्रिय बनी हुई है ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दिया जा सके और जनता बेखौफ होकर मतदान दे सके। वहीं चुनाव से पहले अलगाववादी नेता को नजरबंद कर दिया गया है ताकि घाटी किसी भी तरह की हिंसा न हो सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चारों चरणों के चुनाव होने के बाद 20 अक्टूबर को मतगणना होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव में कुल 2,990 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार से हुई 2.5 रुपए की कटौती के बाद आज लगातार तीसरे दिन तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 21 पैसे बढ़े, वहीं डीजल पर 29 पैसे बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 3 पैसे और डीजल 73 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। मुंबई में आज पेट्रोल 87 रुपए 50 पैसे और डीजल 77 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में जंतर मंतर दर्जन भर विपक्षी दलों के युवा संगठन आज मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। इस प्रदर्शन को देश बचाओ युवा बचाओ का नाम दिया गया है, जिसमें बेरोजगारी, एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, महंगाई, राफेल सौदे में घोटाले के आरोप जैसे मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में इन संगठनों के कार्यकर्ता मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकालेंगे। अहम बात यह है कि युवा कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, गुजरात के नेता हार्दिक पटेल, पश्चिम यूपी के युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं को भी प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी खास रुचि नहीं दिखाई। हार्दिक जहां गुजरात में व्यस्त हैं, वहीं कन्हैया बिहार में। हालांकि कन्हैया के नजदीकी ने बताया कि दिल्ली से बाहर रहने के कारण कन्हैया नहीं आ पाएंगे, लेकिन सीपीआई के युवा संगठन के नेता मौजूद रहेंगे। बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश रंजन पांडे ने कहा कि अहमियत चेहरे की नहीं मुद्दे की है, ये वाकई ऐतिहासिक है। 14 पार्टियों के लिए युवा संगठन के लोग एक साथ सड़क पर उतर रहे हैं। यूपी के जौनपुर में नवरात्र के त्यौहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इलाके में माता के पंडाल सजाए जा रहे हैं। बंगाल के मूर्तिकार माता की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। हर साल ये मूर्तिकार बंगाल से आते जाते हैं। 3 महीने पहले ही मूर्तियों को निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और जब नवरात्र को 15 दिन बचते हैं तो ये मूर्तिकार मूर्तियों की रंगाई का कार्य करते हैं। वहीं बढ़ती महंगाई पर मूर्ति कलाकारों का कहना है कि बार महंगाई का असर मूर्तियों पर भी देखा जा रहा है। सजावट की हर सामान महंगी हो गई है, वहीं मूर्ति खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या पहले से कम हो गई है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं। मूर्ति बनाने क्या क्या सामान है? मूर्ति बनाने बांस, लकड़ी, पोजा, तोड़ा, ये सब लगता है। कलकत्ता जो है, बंगाल से आप लोग कितने दिन पहले आते हैं यूपी? हम लोग 5 महीने पहले आते हैं। 5 महीने तक आप लोग यहीं रहते? हाँ, 5 महीने तक। देखा जाए जो है महंगाई इस समय, इस बार बांस उस बहुत महंगा हो गए। पूरा थोड़ा सा सस्ता था, लेकिन बांस और लकड़ी वकड़ी सब महंगाई हो गए। लेबर कारीगर की सब महंगाई हो गए। महंगाई से मतलब कि मूर्ति के रेट आपकी बार मतलब उससे कस्टमर सब रेट नहीं बढ़ा रहा है, सब मतलब रेट घट जा रहा है। उसके बाद मतलब महंगाई सब सामान के रेट महंगाई हो जा रहा है, जगह भाड़ा हो रहा है, सब लाइट बिल सब बढ़ गए सब। इस साल कितना मूर्ति आपने बनाया? 110 मूर्ति बनाए। कितने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं? कम से कम 18-20 साल हो गए। यूपी के मऊ में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। प्रदेश में त्योहारों के दिन शांति व्यवस्था को बनाए रखना अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। इसको देखते हुए पुलिस इलाके में रोज फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि किसी भी प्रकार की घटना न हो सके और इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। फ्लैग मार्च निकला था आपका? उसके बाद अमन चैन बनाने के लिए मऊ शहर, चूंकि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील जिला है और ख़ास तौर से इसका सिटी एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जनता में विश्वास दिलाने के लिए और कि हम पुलिस बल, प्रशासन और जनता सब मिल के हंसी खुशी से आगामी नवरात्रि, दुर्गा पूजा और
भारत मिलाप का त्यौहार मनाएंगे, इसी संदेश को देने के लिए सुरक्षा की भावना करने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली, इंस्पेक्टर दक्षिण टोला, सराय लखनसी, मोहम्मदाबाद, चिरैया कोट, रानी, महिला थाना, बीएससी, होमगार्ड, इन सबका संयुक्त एक मार्च किया। यूपी के एटा में एसपी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में वो बीजेपी पर जमकर बरसे हुए नजर आए। एसपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी का वोट काटने के लिए बीजेपी हर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि बहस से वोटरों का नाम आज भी वोटर लिस्ट से गायब है। कुछ लोग पोलिंग बूथ से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी केंद्र सरकार के दबाव में आकर दोषियों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भाजपा को घेरने की और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की ही रणनीति पे ही काम किया जा रहा है कि हमारे सम्मेलन जो हैं, बूथ प्रभारियों के सम्मेलन और बूथ लेवल तक के उन लोगों के सम्मेलन हो रहे हैं, जो हम एक बूथ पर 10 लोगों को, जिनके ऊपर एक प्रभारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने ये सम्मेलन कहिए या कार्यशाला कहिए, इनको हम सारे नेता ये समझा रहे हैं कि भाजपा से हमको कैसे लड़ना है, किस तरह वोट बढ़वाना है, किस तरह से अपने वोट को निकाल के पोलिंग बूथ तक ले जाके डलवाना है। ये सारी रणनीतियाँ भाजपा को हराने के लिए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से ही ये सम्मेलनों को किया जा रहा है। एक जो गलत वोटर की जो है बात आ रही थी अभी पे, कि जो है जो वोटर के नाम निकाले और रखे जा रहे हैं, वो क्या है मामला? वो एक्चुअल भाजपा के लोगों ने एक रणनीति बनाई है, क्योंकि सत्ता उनका है और सत्ता में जो बीएलओ हैं, उन बीएलओ को जो भाजपा के इसके दबाव में बीएलओ हैं, दबाव तो सभी पे दिया जा रहा है, लेकिन उन बीएलओ को रोक दिया जा रहा है, वो पोलिंगों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि बूथ बढ़ाने का फार्म और वोट काटने का फार्म जमा नहीं हो पा रहा है। इससे हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्याएं आ रही हैं कि जो फॉर्म है उसमें गड़बड़ियां की जा रही हैं। नहीं, जब बीएलओ पोलिंग पे जाएगा ही नहीं तो हम लोग कैसे वोट बढ़वाएंगे? तो भाजपा के लोग और भाजपा का जो प्रशासन है, वो कोई कार्रवाई उन लोगों पे नहीं कर रहा है। बीएलओ पोलिंगों पे जब विशेष अभियान 7, 14, 21, 27, 28 को रखा गया है, उन दिनों पर वो बीएलओ पोलिंगों पे पहुंचते नहीं हैं, इसलिए जो वोटर बढ़वाने के लिए वहां पहुंचते हैं, उनके वोट नहीं बढ़ पा रहे हैं। देश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गुजरात के साबरकांड में 14 महीने की बच्ची से बलात्कार की घटना के वहां के लोगों ने दहशत में डाल दिया है। गुजरात में दूसरे राज्यों से आए लोग बड़ी तादाद में वहां से पलायन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग पर हमले के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल गुजरात के साबरकांठा में 14 महीने की बच्ची से बलात्कार के आरोप में पुलिस ने एक बिहार के रहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में लोग गुस्से में हैं। इस घटना के बाद यूपी बिहार के लोग पर हमले बढ़ गए हैं। ग्रेटर नोएडा में दो चलती गाड़ियों में अलग अलग जगह भीषण आग लग गई। पहली घटना कासना थाना क्षेत्र के पी3 गोल चक्कर पर, जहां एसयूवी 500 में चलते हुए अचानक भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी जगह दादरी थाना क्षेत्र के NH91 बाईपास पर इंडिगो कार में जबरदस्त आग लग गई। आग से दोनों कारें मिनटों में खाक हो गई। दोनों कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मऊ जनपद के मदरसा जामिया मुफ्ताल उलम में छात्रों द्वारा विगत दिनों हंगामे किए जाने के बाद आज पुनः अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही छात्र लामबंद हो गए हैं। आए दिन मदरसे के छात्रों और प्रबंधक के बीच खींचातानी और दहशरे के बाद इसी शाही कटेरे में मैदान में भरत मिलाप का आयोजन होता है, लिहाजा भरत मिलाप के दिन कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसलिए प्रबंधन समिति ने छात्रावास को आगामी 22 अक्टूबर के लिए बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद सभी थानों की फोर्स की उपस्थिति द्वारा छात्रावास को खाली कराया गया। पहले छात्र मदरसे को खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में सीओ सिटी राजकुमार के सख्ती के बाद मदरसों को खाली कराया गया। सभी छात्रों को 22 तक छुट्टी देकर उनके घर भेज दिया गया है। लड़के है, जानकारी कुछ कर दे, उस दिन पूरा मऊ जलेगा, इसलिए बढ़िया माफी है, कर सकते हैं। हमने मऊ के अमन को बाकी रहने के लिए जो कदम उठाया।
लड़के कोई कहीं रोड़ी फेंक दे, कहीं कुछ कर दे, उससे जो है पूरा शहर जमनी का शिकार है। इसलिए हमने हमारी कमेटी ने कदम उठाया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम मिफ्ताही। कह दें छुट्टी की है, 23 को आज ही बनाया, आप जोड़ लीजिए। आरजू थी, वो आए दिन गेटमैन और निगरा से उलझ रहे थे, इसी वजह से ख्वाहिश यही थी कि वो जो है निगरा जो अपने निगरा से इस्तीफा नामा ले और गेटमैन को जो है निकाल दिया जाए। यही ख्वाहिश के चक्कर में तरवा ने काफ़ी अपना ताकत खर्च किया, जो उनकी उनके मंदिर जो भी इस्तेदाद थी सारा घूस बकदर जो है उन्होंने स्ट्राइक किया, लेकिन बिलाखिर जो है फैसला उनके खिलाफ ही आया और अचानक जो है ये मोमेंट ये आया कि तलबा जो है आइंदा जो है। मऊ के दक्षिण टोला क्षेत्र में बच्ची का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बच्ची मानसिक रूप से सनकी थी, वो कुछ दिन पहले महिलाओं के साथ बाहर निकली थी और वहां से वो गायब हो गई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी जिसके आज पोखरे में लाश मिली। तालाब में पड़े शव की सूचना वहां के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए घर वालों ने ये बताया था कि एक विचित्र मानसिक रूप से डिस्टर्ब एक लड़की थी उनके परिवार की और वो शायद महिलाओं के साथ बाहर निकली थी और गायब हो गई थी। वो घूमते घूमते सवेरे वहाँ की जनता ने बताया पोखरे के आसपास कि एक लड़की को टहलते हुए देखा है, वो पोखरे में कूद। इसमें तत्काल जो है थाना दक्षिण टोला के इंस्पेक्टर डी के श्रीवास्तव साहब पहुँचे हैं मौके पर और उन्होंने पूरा रात में भोर से ही पूरा प्रारंभ किया, 3-4 घंटे की कवायद में खोज के निकाला, उसकी डेड बॉडी मिली है, परिवार वाले भी आ गए हैं और पंचायत नामक पोस्टमार्टम की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा दादरी के एनटीपीसी टाउनशिप गेट पर एनटीपीसी एम्प्लाइज यूनिट ने गेट मीटिंग किया जिसमें एनटीपीसी प्रबंधन ने मजदूर विरोधी वेतन संशोधन को खारिज किया और वेतन संशोधन को दोबारा करने की मांग की है। श्री एस के यादव ने प्रबंधन के जरिए किए गए मजदूर विरोधी वेतन संशोधन से कर्मचारियों को अवगत भी कराया। तो हम तो उनके पलकों पर रहते, हमारा प्रश्न ही पता नहीं होता, लेकिन हमारा जो एक सिद्धांत है कि जिस यूनियन से जिस कर्मचारियों से हमने चुना है उस कर्मचारियों के बगैर पूछे आ जाओ तो हमने आज तक साइन किया और ना ही हम साइन करेंगे। अभी साथियों आपने देखा कि लैपटॉप का ओएनजीसी ने अपने एम्प्लॉय को 60-70 हज़ार रुपये दे दिया। अभी सर्कुलर आपके पास में आया, उसने अभी प्रॉफिट शेयरिंग का जिसको अंतरिम रिलीफ बोलते हैं उसमें 60-70 हज़ार रुपये दे दिया। तो हमने वही कहा कि अभी आप देखिए ओएनजीसी का आने वाला है, अभी आपका ऑयल सेक्टर का आने वाला है, अभी पीसीएसआई का आने वाला है। हमने कहा हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तो किसी पब्लिक सेक्टर का हुआ भी नहीं है जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमने उसका विरोध हर स्टेज पर किया है। हम बगैर पढ़े बगैर क्लॉज को समझे उस पर साइन बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो साइन हुए आज तक उन्हें कॉपी नहीं मिला। जिस पेपर पर साइन किया है उन एनबीसी मेंबर्स ने उनकी हालत देखी है कि वो कॉपी उनके पास में नहीं है, और यदि यहाँ होता तो बोलते हैं किस तरह के यार ये पागल लोग हैं बहन जो उस पेपर पर साइन किया पेपर नहीं इनके पास में। तो कुल मिला के हम ऐसी स्थिति पैदा अपने पास नहीं होने देंगे। इसलिए अब वो जो प्रोजेक्ट में एनबीसी मेंबर्स गए हैं वहाँ के एम्प्लॉयज ने उनको गेयर में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसे कैसे साइन कर दिया। उन्होंने दादरी को बोला, एक दादरी को देखिए कि उसने वहाँ पे इतने प्रेशर के बावजूद भी साइन नहीं किया और आप लोगों ने हमारे सभी एम्प्लॉयज का गला घोट दिया। तो लिख के दिया उन्होंने। अब तो यह है कि भाई जब चिड़िया खेत को चुक गई हैं अब साले पछताने से क्या होगा। अब तुम किसी को लिख के दे रहे हो, उसको दे रहे हो, कर्मचारी के दबाव में दे रहे हो, एप्लीकेशन वापस ले रहे हो, और जब हमसे रिक्वेस्ट कर जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे दया के लिए बोल रहे थे कर्मचारियों। मुजफ्फरनगर में हरसोली चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की जिसमें दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सब इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्त में आए बदमाश से पुलिस ने एक बाइक और एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। आज रात्रि में चेकिंग चल रही थी पूरे जनपद में, तो हरसौली चौकी पर शाहपुर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी।
दो लोग संदिग्ध अवस्था में मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए और उनके जब पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया तो शाहपुर की तरफ मुड़े और इनके मुड़कर भागने लगे। पुलिस द्वारा इनकी घेराबंदी की गई जिसके दौरान इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अनिल यादव इसमें घायल हुए। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश भागने में सफल रहा अंधेरे के कारण और गन्ने के कारण। इसमें ये इस बदमाश की पहचान जाकिर के रूप में हुई है और एक शातिर बदमाश है जिस पर 38 मुकदमे अभी तक जानकारी में आए हैं। इसमें लूट डकैती मर्डर गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे हैं। 2012 में जेल से फरार हुआ था, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और उसके उपरांत ये बाद में पकड़ा गया था, फिर लगातार जेल में था और 2018 में ये रिलीज हुआ तभी से एक्टिव था और इसके द्वारा लगातार क्राइम किया जा रहा था। आज ये हमारे जनपद में ये छपरौली क्षेत्र का रहने वाला बागपत आज हमारे जनपद में समाप्त किसी क्राइम के उद्देश्य से अपने साथी के साथ आया था और यहाँ पर इसके साथ मुठभेड़ इसके पास एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है और खाली भरे कारतूस बरामद हुए हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपये का नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।